फैशन भाई की दर्शन मान। आज मैं आपको एक अपनी नई डिजाइनर साड़ी दिखाने वाली हूँ जो मैंने दुपट्टे से ही बनाई है। फ्रेंड्स, पिछली बार भी मैंने आपको साड़ी दिखाई थी जो मैंने दुपट्टे से ही बनाई थी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे आने वाली हर वीडियो में आपको कुछ नया मिलेगा और आने वाली वीडियो में आपको लहंगा, सूट, हर चीज आपको नई मिलेगी और बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन देखने के मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं ये साड़ी मैंने पहन ली है। पहनती मैं इसलिए हूँ क्योंकि पहनने के बाद जो साड़ी की लुक होती है ना, वो अलग तरीके से ही पता चलती है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा मैरून कलर का दुपट्टा है। जैसा मैंने बताया, पहले मैं एम्ब्रॉयडरी के सूट नहीं पहनती थी, लाइक्रा वाइक्रा ही पहनती थी। तो अब मैं कढ़ाई के सूट जैसे एम्ब्रॉयडरी के पहन लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मेरा दुपट्टा था, इसका अरज भी काफ़ी अच्छा था। उसमें देखिए, किनारे पर ये वाली एम्ब्रॉयडरी थी दुपट्टे पर और बीच में बूटी बूटी है, गोल्डन और मैरून कलर की बूटी बूटी है। हल्का हल्का स्पार्कल भी है इस दुपट्टे में। जो नेट है हल्की सी खड़ी होती है तो वैसे है, सॉफ्ट भी है, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो है। इसमें इस साड़ी में मैंने सबसे कम लेस लगाई है और सब बहुत सुंदर ये साड़ी लग रही है। इसमें मैंने सिर्फ दुपट्टे की तरफ मैंने ये लेस लगाई है पूरा। फ्रेंड्स, मैंने एक ही लेस का इसमें काम किया है। ये देखिए आप, इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना सुंदर है। फ्रेंड्स, ये मेरा ब्लाउज आप देख रहे हैं, ये मैं एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा ही लेकर आई थी और ये मैंने ब्लाउज स्टिच किया है। इसमें देखिए डीप, पीछे मैंने डीप नेक किया है इसमें। और फ्रेंड्स, मैंने डोरी नहीं लगाई है क्योंकि डोरी से हम सब लोग परेशान हैं और नेक नीचे गिरता है कंधे से, तो हम डोरी लगाते ज़रूर है। बट आप ये कर सकते हैं कि आप एक लेस लगाइए और उसके ऊपर ऐसे ये लटकन लगा सकते हैं आप, तो ये लुक भी अच्छी रहेगा। पहनने के लिए इसको ऐसे गले में डालकर पहनेंगे पीछे हुक वाले को, तो बिल्कुल सही पहना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। फ्रेंड्स, आप मेरे ब्लाउज देख रहे हैं एम्ब्रॉयडरी का, ये मैंने अपनी कई साड़ियों पर चला रखा है क्योंकि मैं अपना ब्लाउज बनाने के लिए बहुत आलसी हूँ। कस्टमरों का मैं बहुत काम करती हूँ बट अपना वैसे डिजाइनिंग, बस डिजाइनिंग में मेरा मन है तो डिजाइनिंग कुछ ना कुछ नहीं करती रहती हूँ। कलर देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। अब इस नेट के दुपट्टे में मैंने क्या किया है, जैसे नेट के साथ मैं नेट ही जोड़ सकती थी बट मैंने नेट के साथ सिल्क का काम किया है। सिल्क के कपड़े का, सिल्क के प्रिंट के कपड़े का मैंने काम किया है, उसके साथ इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए आप मेरी साड़ी नीचे से, ये देखिए कितना प्रिंट इसका, बड़े बड़े फ्लावर बने हुए हैं इस पर। हल्का ग्रीन कलर आया हुआ, बहुत हल्का ग्रीन मेहंदी कलर आया हुआ है और ये देखिए इसकी लुक साड़ी की कितनी अच्छी आई हुई है। ये मेरे हस्बैंड को भी ये साड़ी बहुत पसंद है तो मैं उनके लिए ये पहन लेती जब मेरा मूड अच्छा होता है काफ़ी। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, इसको पहनेंगे तो ऐसा लगता है जैसे न्यू मैरिड ने पहनी हुई हो। पहनने के बाद ऐसे दुल्हन की तरीके से लगते हैं। इसमें एक लेस सिर्फ ये लगाई है मैंने और एक सिर्फ मैंने नीचे ये लगाई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने इसमें कोई लेस का काम नहीं किया, कोई ज़्यादा वो नहीं किया। और इसके देखिए नीचे का वही 4 मीटर का कपड़ा है जो मैंने आपको बोला था और अच्छा सिल्क का कपड़ा है। अगर ये पूरा भी बनेगा तो भी सुंदर लगेगा, पर कलर और कॉम्बिनेशन में बन रहा है तो बहुत क्रीम का, मेहरून का और जो इसमें एम्ब्रॉयडरी है, ये फ्रेंड्स हल्का रेशम का काम होने के बाद ना, यही हम लोगों को पता होना चाहिए कि इस चुन्नी में मैं क्या लगा सकती थी। देखिए आप, कोई अगर और दूसरा सोचता तो शायद उसमें गोल्डन मिक्स कर देता बट मैंने इसमें प्रिंट का मिक्स किया है जिससे ये साड़ी और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये देखिए साड़ी हल्की है, ज़्यादा कुछ नहीं है साड़ी में, पर साड़ी पार्टी वेयर है क्योंकि ब्लाउज इसकी लुक को और भी ज़्यादा सुंदर बना रहा है। यही ब्लाउज मैं आपको और साड़ियों पे भी पहने हुए मिलने वाली हूँ। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यही आपको मेरी आने वाली आगे सारी जितनी भी वीडियोज होंगी उसमें कुछ हर डिज़ाइन साड़ी का अलग होगा, सूटों का डिज़ाइन बिल्कुल अलग होगा, प्रिंट के कपड़े को हम जरा सा भी अच्छा कैसे बना सकते हैं। लुक देखिए सिंपल तो आप लोग सूट खरीदते हैं, स्टिच भी करा लेते हैं बट मेरे को हर हल्का सा कुछ शाइनिंग वाइनिंग अच्छा चाहिए होता तो मैं वो कर लेती। फ्रेंड वही आप लोगों को देखना है और आप लोगों को आइडिया लगाना है कि अगर हम मैंने ऐसा किया है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा यही मकसद है कि मेरे डिज़ाइन सबके पास पहुँच लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें।
क्योंकि हमने सब फ्रेंड्स वगैरह को भाभियों को सबको आप पहुंचाएंगे तो सबको नया डिजाइन नई लुक देखने के लिए मिलेगी, उनको भी कुछ अच्छे आइडिया आएंगे, आपको भी कुछ अच्छे आइडिया आएंगे। और अगर आपको मेरी साड़ियाँ जैसे अच्छी लगती हैं और आप बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और मेरी मैं और भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और भी चीज़ें, आप उसमें जाके चेक कर लेना। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नया लेकर। और फ्रेंड्स मैं जैसे टी शर्ट्स होती हैं औरतों का, औरतें क्या होती हैं भाई, अपनी कोई भी चीज़ फेंकना पसंद नहीं करती। मम्मी है तो बेटी पहनेगी, बेटी है तो छोटी बहन पहनेगी। तो जैसे टी शर्ट्स के गले बहुत बड़े बड़े होते हैं तो मैं उनको भी ठीक करना बताऊंगी आपको। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, बाय।